फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊं किस तरीके से आप पेट्रोल की मदद से पुरानी और ख़राब से ख़राब बैटरी को किस तरीके से आप अपने घर पर रिपेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा किस तरीके से आप किसी भी डेड बैटरी को ठीक कर सकते हैं। बस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही देखने मिल सके। तो देख सकते हैं मेरे पास एक UPS की बैटरी है जो कि 12 वोल्ट की है, और मैं आपको इसकी वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ कि ये पूरी तरीके से डेड है कि नहीं। वैसे आपको इसकी कंडीशन देख के नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर का कैप भी नहीं है और ये काफ़ी पुरानी पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बनाऊं और आपको दिखाऊं किस तरीके से डेड बैटरी को ठीक किया जाता है। तो पहले मैं यहाँ पे इसकी वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको सभी जो डेड बैटरी होती है उन्हें ठीक करने का तरीका बताऊँगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे 2.19 वोल्ट यहाँ पे शो कर रहा है, जबकि यहाँ पे ओके कंडीशन में ये 12 वोल्ट शो करता है। तो अभी ये पूरी तरीके से बैटरी डेड हो चुकी है। चलिए अब मैं आपको इसे रिपेयर करने का तरीका बता देता हूँ कि किस तरीके से आप किसी भी बैटरी को रिपेयर कर सकते हैं। तो इसे हम दो चीज़ों से रिपेयर करेंगे, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। दोनों तरीके मैं आपको बताऊँ किस तरीके से पेट्रोल से इसे रिपेयर कर सकते हैं, और उसके अलावा मैं आपको तरीका बताऊँगा, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना। तो चलिए मैं यहाँ पे इसके लिए जो इन्वर्टर होता है उसके अंदर का पानी निकाल लेता हूँ। वैसे आप इसमें पानी की पाउच का पानी भी यूज कर सकते हैं, जो डिस्टिल वाटर होता है वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो तब यूज किया जाता है अगर आपकी बैटरी का पानी कम हो जाए, तब आप उसे यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बैटरी पूरी तरीके से डेड हो जाए तो आपको जो इन्वर्टर होता है बड़ी बैटरी उसके अंदर से कम 6 से 7 सिरिंज आपको पानी निकाल लेना है, और इसी पानी को बैटरी के अंदर डालना है। और डालने का तरीका भी मैं आपको बताऊं, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप पूरा का पूरा सिरिंज यहाँ पे एक साथ डाल दें। मैं आपको तरीका बताऊं किस तरीके से आपको बैटरी को रिपेयर करने के लिए जो इन्वर्टर का पानी होता है वो बैटरी के अंदर डाला जाता है। तो वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए अब इस पानी को बैटरी के अंदर डालते हैं, और इसे चार्ज करने का तरीका भी मैं आपको बताऊँ किस तरीके से आपको इसे चार्ज करना है और कितने टाइम तक करना है, तब जाके आपकी बैटरी यहाँ पर ठीक होगी। तो अभी मैंने यहाँ पर इन्वर्टर का पानी निकाल लिया है, और मैं इसमें नई सिरिंज यूज कर रहा हूँ, तो आपको भी नई सिरिंज यहाँ पर ले लेनी है। और इसके बाद में आपको पहले इसमें आधा सिरिंज यहाँ पे पानी भरना है, ये 3 ml की सिरिंज है। तो आधा सिरिंज आपको आधा सिरिंज सभी जो 6 छेद हैं उनके अंदर डाल लेना है। अगर आपकी बैटरी का कवर लगा हुआ है तो आपको कवर खोल लेना है, उसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से 6 छेद यहाँ पे मिल जाते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको दो बैटरी को रिपेयर करके दिखाया है, एक कार की बैटरी और एक जो सेल्फ बाइक की बैटरी होती है वो भी मैंने रिपेयर करके दिखाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, यहाँ आपको एंड स्क्रीन पर वो वीडियो मिल जाएंगे। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पे आधा आधा सिरिंज सभी जो 6 छेद हैं उनमें इस तरीके से डाल रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक साथ एक जो छेद है उसे फुल कर देना है, ऐसा आपको नहीं डालना है। इन्वर्टर में भी पानी इस तरीके से नहीं डाला जाता, इन्वर्टर में भी थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर लगभग सभी छेदों में मैंने आधा आधा सिरिंज यहाँ पर जो पानी है वो डाल लिया है। उसके बाद में बचे हुए पानी को भी आपको बराबर बराबर यहाँ पर डाल देना है। आपको इन्वर्टर के अंदर से कम 6 से 7 सिलेंडर आपको पानी निकालना है। अगर उसके बावजूद भी जो बैटरी वो ठीक नहीं होती तो आप उसमें एक एक सिलेंडर पानी और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो बैटरी होती है वो पानी की वजह से ख़राब होती है। अगर इनके अंदर पूरा पानी सूख जाए तो आपको उसमें पानी डालना पड़ेगा, वो भी इन्वर्टर का। तो मैंने आपको तरीका बता दिया इस तरीके से आपको डालना है, देख सकते हैं यहाँ पर। और इन्वर्टर के अंदर भी इस तरीके से पानी डाला जाता है, लेकिन इन्वर्टर के अंदर जो डिस्टिल वाटर होता है वो डाला जाता है, क्योंकि उसके अंदर पहले से काफ़ी सारा जो लीड एसिड होता है वो होता है, तो उसी में वो मिक्स हो जाता है। तो अभी मैंने इसके अंदर यहाँ पे पानी डाल दिया है, लेकिन अभी यहाँ पर जो बैटरी वो रिपेयर नहीं हुई है, लेकिन इसके अंदर की जो एनर्जी है वो वापस यहाँ पर आ चुकी है। इस तरीके से आप इसके अंदर पानी डाल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पेट्रोल से रिपेयर करने का तरीका बता देता हूँ। तो आपने काफ़ी सारे केसेस में देखा होगा कि आपकी बैटरी पूरी तरीके से ठीक होती है, लेकिन उसके बावजूद इसमें वोल्टेज शो नहीं करती और ना ही इसमें से पावर सप्लाई जा पाती है। तो बैटरी की इस प्रॉब्लम को आप किस तरीके से ठीक कर सकते हैं वही तरीका मैं आपको बता देता हूं। तो पहले आपको इसकी जो पॉइंट होते हैं प्लस माइनस, इन्हें आपको यहां पर देख लेना है कि ये कहीं से टूटे तो नहीं है, और उसके बाद में आपको पेट्रोल ले लेनी है। तो पेट्रोल आप बाइक में से निकाल के थोड़ा सा इसमें यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यूज आपको किस तरीके से करना है। आपको लेना है एक ब्रश, क्योंकि काफ़ी सारे केस में ऐसा होता है जो इसकी खुट्टी होती है प्लस माइनस वाली बैटरी की, उन पर काफ़ी सारी जंग लग जाती है, और उसकी वजह से जो पावर सप्लाई होती है ना ही तो बैटरी चार्ज हो पाती है और ना ही आप इससे किसी भी चीज़ को चला सकते हैं। और जो जंग होती है आप उसे कितना भी सैंड पेपर से घिस लें, लेकिन जो
नीचे की साइड में होती है वो पेट्रोल से ही साफ हो सकती है, तो आप उसे ब्रश की मदद से कुछ इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं पूरी बैटरी को। और उसके बाद में जो बैटरी के दोनों पॉइंट हैं प्लस माइनस, उसे आप रेती की मदद से चाहे तो सैंड पेपर से ऊपर से क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये प्योर कॉपर के होते हैं तो आपको इन्हें क्लीन करना पड़ेगा। अगर इनके ऊपर थोड़ा सा भी डस्ट या जंग लग जाएगी तो उसके बाद में ना ही तो ये बैटरी चार्ज होगी और ना ही आप इससे किसी भी चीज़ को चला सकते हैं और आपको लगेगा शायद ये बैटरी डेड है। तो आप सबसे पहला तरीका आपको ये ट्राई करना चाहिए कि इसके दोनों पॉइंट को अच्छे तरीके से क्लीन करने का चेक करना चाहिए मल्टीमीटर से कि इसमें वोल्टेज कितना है। अगर वोल्टेज यहाँ पर शो कर रहा है 2 वोल्ट 3 वोल्ट 8 वोल्ट तो यहाँ पर बैटरी डेड है। उसके बाद में पहले आपको चार्ज करके देखना है, अगर आपकी बैटरी चार्ज भी नहीं हो रही तो उसके बाद में आपको इन्वर्टर के अंदर से इसका पानी निकाल के इसके अंदर डालना चाहिए, उससे यहाँ पर जो बैटरी वो आपकी 100% रिपेयर हो जाएगी। तो उसके बाद में आपको इस तरीके से इन खुटियों को अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है और उसके बाद में आपको यूज करना है। तो चार्ज करने से पहले आपको ये सारी चीज़ें कर लेनी है, तभी बैटरी चार्ज होगी, क्योंकि इनके ऊपर जंग लगी होगी तो पावर सप्लाई ना ही इसके अंदर पहुँचेगी और ना ही इससे आप किसी भी चीज़ को चला सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो बैटरी वो मैंने अच्छे तरीके से क्लीन कर ली है। अब मैं आपको इसे चार्ज करने का तरीका ही बताऊंगा, लेकिन अगर आपकी बैटरी इस तरीके से भी ठीक नहीं हो रही तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और उसकी प्रॉब्लम को लिख सकते हैं कि उसमें क्या दिक्कत है। वैसे मैं हर एक बैटरी के ऊपर मैंने वीडियो बना दी, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बाइक की बैटरी हो, चाहे छोटी वाली टॉर्च वाली बैटरी हो या कार की बैटरी हो, सब तरह की बैटरी पर मैंने वीडियो बना दी, आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं, आपको काफ़ी सारे नए नए वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए मैं आपको इसे चार्ज करने का तरीका ही बता देता हूँ किस तरीके से आपको इसे चार्ज करना है। तो डेड बैटरी को कभी भी आपको 12 वोल्ट के चार्जर से चार्ज नहीं करना है, आपको हमेशा थोड़ा सा एक्स्ट्रा वोल्टेज के चार्जर जो यहाँ पे 24 वोल्ट का होता है, जो कि मैंने 3 एम्पीयर के ट्रांसफार्मर से इसे बनाया है, आपको ये चार्जर इसमें यूज करना चाहिए, तब आपकी बैटरी यहाँ पे अच्छे तरीके से चार्ज हो जाएगी। अगर आपने चार्जर का वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पर जाके उसका वीडियो देख सकते हैं, आपको इसे बनाने का तरीका यहाँ पर उस वीडियो में बताया किस तरीके से आप घर पर एक 12 वोल्ट और 24 वोल्ट का चार्जर बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बैटरी को चेक करने का तरीका ही बता देता हूँ कि किस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आपकी बैटरी यहाँ पर रिपेयर हो चुकी है कि नहीं हो चुकी। तो आप यहाँ पे मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पर सेट कर सकते हैं यहाँ पे, और उसके बाद में आपको प्लस माइनस पे यहाँ पे इसे रख के देखना है। अगर यहाँ पर 24 वोल्ट का चार्ज यहाँ पर 12 वोल्ट शो कर रहा है तो आपकी बैटरी पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है, यानी कि वो 12 वोल्ट यहाँ पर करंट ले रही है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे 11.98 वोल्ट यहाँ पर शो कर रहा है, यानी कि बैटरी पूरी तरीके से ठीक है। 24 वोल्ट का यहाँ पर चार्जर है और 11.98 यहाँ पे वोल्ट शो कर रहा है, यानी कि 11 वोल्ट यहाँ पे चार्जर करंट यहाँ पे ले रहा है। तो अगर यहाँ पे पूरा 24 वोल्ट शो करता तो यहाँ पे बैटरी पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी होती, क्योंकि उसकी जो खुट्टी होती नीचे से भी यहाँ पे ब्रेक हो गई होती। तो इस तरीके से आप बैटरी को रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के शेयर कर देना और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही देख मिल सके। अगर आप बाइक की बैटरी रिपेयर करना चाहते हैं तो आपको जो एंड स्क्रीन पे वीडियो ना रही है इस वीडियो को भी क्लिक करके आप इसे देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।